एक्सिलरेटिंग फ्लूइड की बात की थी, वी वर डिस्कसिंग हाउ द प्रेशर वेरीज इनसाइड द फ्लूइड. द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द फ्लूइड इज बिकॉज ऑफ इधर ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट और द स्यूडो फोर्स बिकॉज ऑफ एक्सिलरेशन. ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन हमने देखी थी. एक और कंडीशन ले रहे हैं हम एक्सिलरेशन की. That is circulating fluid. जो सर्कुलेशन होता है या रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूमता है. अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहां भी पार्टिकल एक्सेलरेट करता है एंड दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रिपिटल, सेंटर की तरफ वो एक्सेलरेशन होता है, तो वो भी एक्सेलरेटिंग फ्लूड में हम काउंट करेंगे उसको. और डेफिनेटली अगर वहां एक्सेलरेशन है और हम उस फ्रेम में जाके देखें तो वहां स्यूडो फोर्स भी होगा, और स्यूडो फोर्स होगा तो उसके कारण प्रेशर में वेरिएशन होगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम. एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमने फ्लूइड को फिल कर लिया और दोनों तरफ से कैप लगा दी, क्लोज कर दिया उसको. ठीक है, और अब हम क्या करते हैं समझना, उसके एक एंड पर जो एक एंड है उसका फ्लैट एंड है उसके अबाउट उसको रोटेट करते हैं विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग वर्टिकल. वर्टिकल एक्सिस है और इसके अबाउट इसको रोटेट किया जाता है. ठीक है, अब इसका जो रोटेशन होगा वो कैसे होगा, कुछ ऐसे. फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ये एक्सिस है, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा. ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा और अगर इसका इस तरह से रोटेशन हुआ तो आप समझ सकते हो, इस चीज को फील कर सकते हो कि जो लिक्विड है वो प्रेशर अप्लाई करेगा या नहीं, किस एंड पे प्रेशर अप्लाई करेगा. अगर उसको इस तरह से घुमाया जाए तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो प्रेशर इस एंड पर अप्लाई करेगा. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसमें एक्सिस से दूर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ लगता है. ये ऐसे ही है जैसे किसी कार में या बस में मोशन हो रहा है हमारा और सडनली वो एक सर्कुलर टर्न पे आती है, तो टर्निंग के समय हम क्या करते हैं, हम पर एक फोर्स लगता है और हम वी आर प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, जो आउटर वॉल होगी उसके अगेंस्ट प्रेस करेंगे, हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. तो बस उसी तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं कि जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट मीन्स बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा. अब वो वेरिएशन कैसा होगा वो हमें एस्टिमेट करना है. ठीक है, समझना. से ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद विच द लिक्विड और फ्लूइड इज रोटेटिंग. मैं क्या करता हूं, इसमें एक स्लैब कट करता हूं. ठीक है, एक स्लैब कंसीडर कर रहा हूं जिसकी पोजीशन है एक्सिस से उसकी डिस्टेंस है एक्स और इस स्लैब की थिकनेस है dx. इस स्लैब की जो थिकनेस है वो dx है. ठीक है, अब जब ये फ्लूइड घूमेगा तो ये स्लैब भी सर्कुलर मोशन करेगी, एक्सिस पर सेंटर होगा और सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन होगा उसका. ठीक है, अब इस स्लैब पर लगने वाले फोर्सेस को हम कंसीडर करें, कौन कौन से हॉरिजेंटल फोर्स इस पर वर्क करेंगे उसकी बात हम करें. तो समझना इस चीज को, लेफ्ट साइड में जो लिक्विड होगा ये भी इसको प्रेस करेगा और राइट साइड का भी प्रेस करेगा. लेफ्ट साइड में जो प्रेशर है प्रेशर को मैं पी कह रहा हूं और राइट साइड में जो प्रेशर है, अभी मैंने चर्चा की कि राइट साइड में या फार्दर एंड पर प्रेशर ज्यादा होगा तो इस स्लैब के दूसरी तरफ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो इस तरफ प्रेशर है पी प्लस डीपी. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर फोर्स अप्लीकेबल होगा यहां पे और इसके कारण भी फोर्स होगा. ठीक है, अब इसका फोर्स कितना होगा बोलो, प्रेशर इंटू एरिया, और इसके कारण फोर्स कितना होगा, प्रेशर पी प्लस डी पी इंटू एरिया. तो आप समझ सकते हो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है.
इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, और हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करना चाहिए अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो। और वो नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है कितना है यहां पर? dp into a, ये डिफरेंस हुआ, ये रिजल्टेंट फोर्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r। तो इस स्लैब का मास मैंने ले लिया dm, ओमेगा स्क्वायर r रेडियस कितनी हो गई इसकी x, तो इतना नेट फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। मास को क्या लिख सकते हैं? स्लैब को, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्लैब इज, आप समझ सकते हो ये सिलिंड्रिकल सेक्शन है तो उसका एरिया तो होगा ए जो हमने कंसीडर किया, और उसकी थिकनेस डी एक्स है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए डी एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी पी इज रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये जो स्लैब हमने कंसीडर की है इसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस इतना होगा। अब समझना लॉजिक, आप कोई भी स्लैब कंसीडर करो उस स्लैब के अक्रॉस प्रेशर में डिफरेंस होगा। तो मैं क्या करता हूं, शुरुआत करता हूं एक्सिस पे, मान लो एक्सिस पर जो प्रेशर है उसको मैं पी एक्सिस कह रहा हूं, दैट इज प्रेशर एट एक्सिस, ठीक है, पी एक्सिस। तो शुरुआत यहां से करता हूं, एक स्लैब कंसिडर करो वहीं पर ओरिजिन पर, एक स्लैब कंसिडर करो, तो जैसे ही आप स्लैब के अक्रॉस जाओगे प्रेशर बढ़ेगा डीपी से, एक्सिस से ज्यादा प्रेशर इस तरफ होगा आगे की तरफ, ठीक है। फिर आगे मूवमेंट किया, फिर एक स्लैब कंसिडर करो, फिर आगे बढ़ोगे तो अगेन प्रेशर बढ़ेगा, फिर अगेन एक और स्लैब, फिर आगे बढ़ोगे फिर प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो स्लैब कंसिडर करो, और हर एक स्लैब के अक्रॉस मूवमेंट में प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर कहीं पर प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से प्रेशर को ऐड करता हुआ आऊंगा। तो शुरुआत हो रही है एक्सिस के प्रेशर से, और डीपी प्रेशर को इस तरह से ऐड करते जाओ। ऐड करने का मतलब क्या होता है? समेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो एक्सिस के प्रेशर से, और फाइनली किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, ठीक है। इस तरफ भी इंटीग्रेट करोगे, एक्स की वैल्यू कहां से शुरुआत कर रहे हो? एक्सिस से शुरुआत कर रहे हो, तो वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और मान लो आपको आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर चाहते हो प्रेशर निकालना, तो आप इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन का क्या रिजल्ट होगा देखो, प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट एक्सिस प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो आप जैसे जैसे दूर जाओगे एक्सिस से वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये लीनियर वेरिएशन नहीं है, इसमें आप समझ सकते हो स्क्वायर की टर्म आ रही, तो पैराबोलिक वेरिएशन होगा प्रेशर में, ठीक है, लिख लो।